Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So today I'm going to be sharing my nighttime retinol skincare routine with all of you. So keep in mind that I'm a beginner aur main retinol roz raat ko nahi istemal karti. This is an every other night, yani ke do din chhod ke jo teesra din aata hai us pe meri retinol night hoti hai, and today is that day. So I thought why not share it with you guys today. So just like any skincare routine, the first step is to go and wash your face so that your skin is squeaky clean. Lekin agar aap retinol mein ek beginner hain ya aap soch rahe retinol try karne ke bare mein, this video is a must watch kyunki iske andar maine sari informative baatein discuss ki hain retinol ke bare mein, kaun iska suitable user hota hai, kya cheeze iske sath mix nahi karni, etc. So all the do's and don'ts for retinol I mentioned in this video. So first I'll go clean up my face and then we're going to start with step number 2. All right, so now I'm back with my squeaky clean skin. सारा मेकअप SPF सब कुछ उतर चुका हुआ है. तो द फर्स्ट स्टेप बिफोर अप्लाइंग योर रेटिनॉल इज टू हाइड्रेट योर स्किन. ठीक है, लोग इसको सैंडविच मेथड भी बुलाते हैं, लेकिन वो करते हैं मॉइस्चराइजर रेटिनॉल मॉइस्चराइजर. लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इसके बारे में और उसमें ये थोड़ा सा लिखा हुआ था कि अगर आप एक इतना हैवी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपना रेटिनॉल लगाते हैं तो कभी कभार रेटिनॉल का क्या होता है कि इफेक्ट आधा हो रहा होता है आपकी स्किन पर रादर देन इट्स फुल इफेक्ट. एंड सो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ हाइड्रेटिंग सिरम टाइप यानी कि लाइट वेट पहले यूज़ करें, फिर रेटिनॉल यूज़ करें और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, यानी कि एक थिक जेल क्रीम टाइप का कोई मॉइस्चराइज़र. लेकिन हाइड्रेटिंग दोनों चीज़ें होनी चाहिए, रेटिनॉल से पहले भी और रेटिनॉल के बाद भी. सो आई टेल यू कि पहले मैं क्या करती थी. पहले मैं यूज़ करती थी दो डिफरेंट सिरम्स. पहला था द ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड एंड दूसरा था द ऑर्डिनरी का नायासिनमाइड. सो नायासिनमाइड आपकी स्किन को रिपेयर करती है, आपकी स्किन को सूद करती है, हील करती है, एंड इट्स अमेजिंग फॉर पीपल विद ऑयली स्किन. एंड हाइलोरॉनिक एसिड वो आपकी स्किन के लिए एक बड़ा पानी का ग्लास है बेसिकली. सो जैसे आपने पी लिया अब आप हाइड्रेट हो गए, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो जाती है. एंड दैट्स ऑल यू नीड फॉर योर रेटिनॉल्स फर्स्ट स्टेप. सो अब दो सिरम्स लगाने के बजाय आई स्टार्टेड गोइंग ऑन विथ वन सिरम विच हैज बोथ ऑफ देम. सो आदि कैन यू गेट मी माई B3 सिरम फ्रॉम देयर प्लीज. दिस इज माई B3 सिरम, दिस इज नॉट योर B3 सिरम, बट यू कैन यूज इट. Okay. I share my skincare with you all the time, yaar. But I have my own skincare now. This Ha Beauty B3 serum. It's Hirali Beauty. Hirali Beauty B3 serum. So this right here is Hirali Beauty's B3 serum. ठीक है. इसका नाम Hydra Glow Serum है, लेकिन इसके अंदर hyaluronic acid भी है और niacinamide भी है. All you have to do is take your dropper. एंड इस तरह से थोड़ा सा आपने अपने हाथों में ले लेना है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग दिस ऑल ऑन टू माई फेस. दिस विल गिव यू ऑल द हाइड्रेशन यू नीड. या एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर रीस्टोर्स ग्लो ऑन योर स्किन. माई फेस डजंट नीड एनी ग्लो. मिनिमाइज अपीयरेंस ऑफ पोर्स. दैट यू नीड. दैट्स माय प्रॉब्लम. यस. ओके. इंप्रूव स्किन टेक्सचर. ओके. माय स्किन. No, everyone's skin needs texture improving. And reduces hyperpigmentation. मेरी स्किन को कोई hypertension नहीं है. तुमको पता है hyperpigmentation होती क्या है? Not hypertension. I'll Google it. But if you have these issues, it's a very good product. And it's good for normal, oily, combination and dry skin types. मतलब सारा skin type. So yeah. Can you see that glow on my face? हाँ फार. Thanks a lot for sharing it. By the way, you can also take some. So that you can also do your skincare साथ साथ. Take some quickly. Yes. So like Fahad told you that niacinamide and hyaluronic acid. Hydrochloric acid. Hyaluronic acid. Fahad. ऐसे नाम क्यों रखते हैं लोग? So ये आपकी skin पे सारा जो आप बड़ा please यार Fahad, you make me forget stuff. Okay. आपकी skin को अंदर glow लेके आती है ये और आपके pores की appearance को कम करती है ये और आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है ये. वो सारी बातें मैं उर्दू में बता रहा हूँ. या सो ये आपके लिए ये सारी करती हैं चीजें. और हाइपर पिगमेंटेशन इसका उर्दू में मुझे कुछ पता होता था. इसको हम एक और स्किन केयर चैनल खोल देते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकंड एंड द मेन स्टेप व्हिच इज रेटिनॉल. बाय द वे तुम्हें भी यूज करना शुरू कर देनी चाहिए रेटिनॉल. माय स्किन डजंट नीड रेटिनॉल. लिसन एनीबॉडी हु आई एम 19. No. Did you forget? Listen. My skin doesn't need it. Tea nahi chahiye.
मेरा गोरा बनने का सपना सच हो रॉन्ग विद यू लिसन So this is the Hira Ali 0.5% retinol and this is perfect for beginners. So I'm going to start with taking a few drops on my hand right here and apply it all over my face. Agar aapki skin bahut zyada sensitive hai ya agar aap bilkul hi first timer hai to I would recommend ke aap bilkul ek ya do drops istemal kare apne chehre pe for the first time and if your skin does well with it then you can definitely increase the amount the next time as well. So once you're done applying this, we can move on to our last step. So I've just applied the retinol onto my skin. अब recommended ये है कि आप 5 से 10 मिनट वेट करें सो दैट आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद अब अपना स्टेप नंबर 3 यूज़ करें विच इज़ अ मॉइस्चराइजर अ हैवी ड्यूटी इंटेंस मॉइस्चराइजर सो अभी जब तक आई एम वेटिंग फॉर दैट आई विल टेल यू ऑल अबाउट रेटिनॉल तो सबसे बेसिक सवाल रेटिनॉल है क्या रेटिनॉल है विटामिन ए विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन के सेलुलर टर्नओवर के लिए सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है यानी कि जो हमारी फाइन लाइंस हैं रिंकल्स हैं पोर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हमारी स्किन पे नज़र आ रहे होते हैं सन स्पॉट्स हैं हाइपर पिगमेंटेशन है स्किन का टेक्सचर है ये इन सारी चीज़ों को एक साथ सही कर रहा होता है इट्स दैट पावरफुल एन इन्ग्रीडियंट एज अ बिगिनर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है वाइल यूजिंग रेटिनॉल जिनमें से सबसे पहली ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप हर दो दिन छोड़ने के बाद तीसरे दिन पे एज इन तीसरी रात पे अपनी रेटिनॉल नाइट रखा करेंगे एंड विद टाइम यानी कि 3 months बाद जब आपको होगा कि आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो चुकी है रेटिनॉल से That's when you can start using it more frequently, यानी कि हर एक दिन बाद यूज़ करना शुरू कर दिया और जब आपने फील किया कि अच्छा अब ये जो है मैं इसको रोज़ भी यूज़ कर सकती हूँ and it's doing wonders to my skin, तो अब आप एक higher percentage की तरफ जा सकते हैं retinol. Another tip, on retinol nights, make sure कि आप कोई और active ingredient अपनी skin पर नहीं लगा रहे Hyaluronic acid safe है niacinamide safe है आपका basic सा cleanser safe है लेकिन अगर कोई भी इस तरह का product है For example, कोई exfoliant है कोई AHA, BHA type का product है anything that is an active ingredient like glycolic acid, lactic acid वगैरह वगैरह those things are not to be mixed with retinol because retinol itself is so powerful and it is doing so much to your skin कि अगर अब आपने एक और active ingredient इसके साथ mix कर दिया that will result into irritation or the redness of your skin. Now I also know कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं retinol का सोच के ही मेरे साथ भी ये हुआ था it's very very normal क्योंकि retinol के साथ associated है term purging यानी कि retinol आपकी skin पे adjust करने के लिए थोड़ा सा time लेगी और उस time period में हो सकता है your skin can go black. So उसको बचाने के लिए ही जो तरीका है वो मैं आज आपको सिखा रही हूँ that hydration, retinol Hydration is the way कि आपको retinol के purging effects या कोई भी side effects जो हैं वो सबसे कम नज़र आएंगे या फिर शायद नज़र आएंगे ही नहीं I've been using retinol for almost 1.5 months now. नहीं एक्चुअली उससे भी ज़्यादा मैंने रमज़ान में रेटिनॉल लगाना शुरू किया था लेकिन वो बहुत एक लोअर परसेंटेज था मैं 0.2 से स्टार्ट किया था मैंने एंड नाउ आई एम एट 0.5 विच इज़ ऑल्सो अ वेरी लो परसेंटेज सो कोई पर्जिंग मुझे नहीं हुई एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स ऑन माई स्किन कि आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ शोइंग लेसर लाइन्स इट्स शोइंग लेसर रिंकल्स जो स्किन का टेक्स्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूद हो रहा है आई एम गेसिंग आई हैव मैंशन एवरी थिंग रिलेटेड टू रेटिनॉल राइट नाउ लेकिन अगर मैं कुछ भूल गई हूँ सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें मैंशन की भी होंगी सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट एंड यू विल फाइंड आउट वॉट एवर I might have not mentioned in this video. अब 10 मिनट हो चुके हैं इसको लगाए हुए आई एम स्टिल गोइंग टू लेट इट सिट फॉर अ वाइल मोर एंड देन आई एम गोइंग टू टॉप दिस ऑफ विद अ हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर टॉप माई स्किन अप विद हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजेशन क्योंकि रेटिनॉल के साथ आपने कभी मॉइस्चराइजर नहीं भूलना क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन सो मेक श्योर कि आपकी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज्ड है And one more thing which is very basic, लेकिन आपको बिल्कुल जहन में रखना ज़रूरी है कि retinol सिर्फ रात में apply हो सकता है This is not supposed to be applied when you're out in the sun. So the reason that we wait for 10 to 15 minutes before applying our moisturizer is because we want to layer the products on. हमें उन्हें mix नहीं करना है हमें अपने B3 serum के साथ retinol को mix नहीं करना है
हमें अपने रेटिनॉल के साथ अपने मॉइस्चराइज़र को मिक्स नहीं करना है. हमें इन सब को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है अपनी स्किन में जज्ब होने के लिए, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप, ताकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर लेयर हो सके और इनकी इफेक्टिवनेस आपस मिक्स होके कम ना हो जाए. ऐसी झनकारें मारी मेरी स्किन, जरा देखो है ना, दैट्स व्हाट आई लाइक. नॉर्मली इट्स बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन. ओ सनस्क्रीन, ओ माय गॉड यस, वेट, सनस्क्रीन सबसे मेजर चीज तो मैं भूल गई. सो रेटिनॉल और नो रेटिनॉल, बट इफ रेटिनॉल ब्रो, सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड दिस इज द सन ऑफ अ बीच सनस्क्रीन. ये फहद की, मैंने सो सॉरी, दिस इज माई फेवरेट सनस्क्रीन, बिकॉज अदर सनस्क्रीन यू नो लाइक पुट सम वाइट कास्ट आ जाती है ना. सो दिस इज अ केमिकल सनस्क्रीन, हो जाती है. ये देखें, इसमें बिल्कुल भी कोई वाइट कास्ट नहीं आती, एज यू कैन सी. नहीं आई ना कोई वाइट कास्ट? नहीं आती मेरे तो ऊपर नहीं आता. Like मेरे ऊपर भी इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं आती, एंड दिस इज द रीजन ऑफ माई ग्लो हाफ ऑफ द टाइम्स. दैट्स बिकॉज ये इतनी कोई ग्लोई फिनिश सनस्क्रीन है ना, कि एकदम स्किन ऐसे झनकारे मार रही होती है. एंड दिस इज व्हाट आई से, कि मेरा प्रो टिप ये है कि मैं कुछ भी भूल जाऊँ सनस्क्रीन अब नहीं भूलता बिकॉज ऑफ यू. या बिकॉज यू नो सनस्क्रीन लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए बिकॉज आप जब सनस्क्रीन के बगैर बाहर जा रहे होते हैं, यू एक्चुअली आर पुटिंग योर सेल्फ इन द डेंजर ऑफ इवन गेटिंग स्किन कैंसर. ये बात पता है, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो आपकी स्किन के लिए इतनी हार्मफुल होती है कि अगर कराची में भी सन तो मेरे को वैसे ही बहुत हार्म कर रहा है. रिगार्डलेस ऑफ दैट, लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाने से शायद टैन से बच जाएंगे. नहीं नहीं, इट्स प्रोटेक्ट्स योर स्किन. या इट जस्ट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम एजिंग, from skin cancer, from all of the different rays that come from the sun, जो कि आपकी skin को बाद में बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं या उसी वक्त भी नुकसान पहुँचा सकती हैं. By the way, पाकिस्तान में chemical sunscreens मैंने literally ये पहली बार देखी है, because इससे पहले जितनी मेरे पास sunscreens पड़ी हुई हैं, they are not a chemical sunscreen. Chemical sunscreen का क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले mention किया कि white cast नहीं होती, तो आप अपनी skin पे इसको लगाते हैं, लेकिन ये आपने बाहर जाने से 15 मिनट पहले अप्लाई करनी है स्किन पे. एज यू कैन सी, नो वाइट कास्ट, राइट? अब जब 15 मिनट पहले अप्लाई करेंगे तो ये काम करना 15 मिनट बाद शुरू करेगी. दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज अप्लाइड 15 मिनट्स बिफोर यू स्टेप आउट इनटू द सन. वन मोर थिंग, के अपनी गाड़ी में, मतलब बैग में या गाड़ी में, किसी ठंडी जगह पे भी ये रखना जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सनस्क्रीन लगाना भूल जाता हूँ. yeah. मुझे याद आता है, ओह शूट, तो तब मेरे बैग से निकलती है ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज फहद ऑलवेज फॉरगेट्स. एंड रोज का एक ये सवाल है, मॉइस्चराइजर पहले आता है या सनस्क्रीन? तो मॉइस्चराइजर पहले आता है और फिर सनस्क्रीन. वैसे तो ये लिटरली दुनिया की सबसे सिंपल, आसान और कम स्टेप्स वाली स्किन केयर रूटीन थी, लेकिन समझाने के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी हो गई. बट आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड द प्रोसेस एनी वे, एंड फहद का कैमियो भी हुआ हुआ था उसके अंदर बीच बीच में. बट या, सो दिस इज इट फॉर द रेटिनॉल वीडियो. जो भी मैंने चीज़ें मैंशन नहीं की होंगी, दे विल ऑल बी मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So don't forget to check that out. And this is it for today's video. I hope that you guys had fun watching it. And if you did, don't forget to give this a thumbs up. And don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.